आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स में चैप्टर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का चैप्टर है 7 पैटर्न्स। पैटर्न्स में हमें देखना है पेज नंबर 226 पर। पेज नंबर है 226, चैप्टर है 7 पैटर्न्स। पैटर्न्स में हमें देखना है कि क्या हमें इसमें सीखना है। हम इसमें सीखेंगे आपको एक सीक्वेंस के हिसाब से जो कतार में एक साथ हम जो सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैटर्न। जैसे कि कोई स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, मान के जैसे ये स्क्वायर है और दूसरी पैटर्न ऐसी है, फिर स्क्वायर है, तो इसके बाद अब क्या आएगा, क्या है स्क्वायर के बाद, क्या है रेक्टेंगल है। तो ऐसे पैटर्न ड्रॉ करनी हो तो हमें इसमें क्या करना है, ऐसे ही फिर से रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। फिर क्या ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर ड्रॉ करना है। फिर ऐसे ही कोई नंबर्स में ले लो, तो नंबर्स में भी ऐसे हम उसको क्या बोलते हैं, स्किप काउंटिंग हम स्किप कह रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से ऐसे पैटर्न भी लिखना हो तो वन के बाद में भी लिखा हो, फिर 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, तो इसमें हमें 1 नंबर स्किप करके दिखाया है। तो ऐसे ही हमने 7 के बाद क्या आएगा, तो 1 के बाद 2 नहीं लिखा, 3 लिखा है, तो 2 स्किप कर दिया है, 1 नंबर स्किप है, तो इसलिए 7 के बाद हमें भी 8 नंबर है वो स्किप कर देना है। तो 7 के बाद 8 हम स्किप कर देते तो क्या लिखेंगे, 9 के बाद 11, ऐसे ऐसे इसको क्या बोलते हैं हम, पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैटर्न्स बोलते हैं। वैसे ही जैसे अल्फाबेट्स में ले लो, ए है, फिर सी है, ई है, जी है, तो इसमें भी इस तरह से वन अल्फाबेट स्किप कर दिया है, बी नहीं है, फिर डी नहीं है, तो एक एक नंबर स्किप कर दिया है, तो हमें भी तो उसमें हम क्या लिखेंगे, जी के बाद एच स्किप कर देंगे, फिर क्या लिखेंगे, आई, आई के बाद जे स्किप कर देंगे, जे के बाद क्या लिखेंगे, के, के के बाद एल स्किप कर देंगे, वो लिखेंगे एम। इन सबको क्या बोलते हैं, पैटर्न्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे कोई भी डिजाइन हो, डिजाइन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, कि कोई भी अल्फाबेट्स के हिसाब से जो हो उसको हम ऐसे पैटर्न्स बनाकर हमें लिखनी हो उसको बोलते हैं सीक्वेंस में जो करते हैं उसको पैटर्न्स बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, वी सी पैटर्न्स एवरीवेयर, फॉर एग्जांपल स्कूल्स, यूनिफॉर्म्स, वॉल्स, फ्लावर्स और सम एनिमल्स बॉडीज। ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड फाइंड पैटर्न्स। हमें पैटर्न्स हर जगह देखने को मिलती है, जैसे कि स्कूल, यूनिफॉर्म्स, वॉल्स, कहीं भी जगह हमें ऐसी पैटर्न्स देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जू दिखाया है, उसमें भी ऐसे अलग अलग पैटर्न्स हमें देखने को मिलती है। ऐसे पिक्चर्स ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ऐसे कहा। फिर पेज नंबर 227 को देखिए, डिस्क्राइबिंग एंड कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स। हमने अभी देखा वैसे ही पैटर्न्स का पिक्चर्स दिखाया है, उसमें कलर वाला पिक्चर से तो जो कलर किया हो वो हमें वैसे उसके बाद सीक्वेंस में जो भी कलर आता हो, पैटर्न आती हो, वो हमें करना है। तो देखिए ग्रीन कलर का फ्लावर है, उसके पास कौन सा फ्लावर है, पर्पल कलर का फ्लावर है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का फ्लावर है, फिर पर्पल कलर का फ्लावर है, तो अगर हमें दोनों फ्लावर में कलर करने हैं तो कैसे फ्लावर में कलर करेंगे, ग्रीन है फिर पर्पल है, तो उसके बाद क्या करेंगे, फ्लावर में कौन सा कलर करेंगे, ग्रीन कलर करेंगे, कौन सा कलर करेंगे, ग्रीन। उसके बाद फिर से दूसरे फ्लावर में कौन सा कलर करेंगे, पर्पल कलर करेंगे, दोनों में है वही पहले ग्रीन करेंगे फिर पर्पल कलर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कार का पिक्चर है, दो कार है, ब्लू कार है और ग्रीन कार है, तो उसके बाद कलर की गई कार नहीं है, तो फर्स्ट कार में कौन से कलर करेंगे, ब्लू, ब्लू कलर करेंगे, और उसके बाद
ग्रीन कलर का रहेंगे, ठीक है। फिर है पैटर्न्स कैन बी मेड यूजिंग नंबर एंड पैटर्न्स एज शो बिलो। देखिए यहाँ पर भी जैसे हमने अभी सीखा वैसे ही नंबर्स में हमें सिखाया है किस तरह से पैटर्न करते हैं वो सिखाया है। हमने 5 की स्किप काउंटिंग सीख ली है, तो यहाँ पर देखिए वही है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। तो बॉक्स में उसके आंसर किस तरह से लिखे हैं, यहाँ पे क्या दिया है 30, 35, 40 और 45, ऐसे 5 का काउंटिंग स्किप काउंटिंग है वही आंसर आएगा। उसके बाद देखिए क्या है अल्फाबेट्स में है, तो उल्टी तरह से ऐसे उसका आंसर लिखा है। देखिए यहाँ पे आर है, पी है, वी है, एक्स है और जेड है, तो इसमें क्या किया है, तो इसके पीछे आर के बाद ये आर के आगे एस नहीं है, फिर पी के बाद यू नहीं है, वी के बाद डबल यू नहीं है, एक्स के बाद वाई नहीं है, ऐसी उल्टी अल्फाबेट्स लिखी है, तो इसके आंसर में भी ऐसे ही लिखा है। क्यों नहीं लिखा, फिर यहाँ पे लिखा है पी, पी के बाद एन लिखा है और यहाँ पे लिखा है एल। फिर है सी, देखिए ऐसे डबल डबल अल्फाबेट्स लिखे हैं, डी और ई दोनों स्किप कर दिए। फिर है एफ, एफ लिखा है, फिर है जी एच दोनों नहीं लिखा, आई लिखा है, फिर जे के नहीं लिखा, फिर एल लिखा है, फिर एम एन नहीं लिखा, तो स्किप कर दिया है, तो ओ लिखा है, फिर पी क्यू नहीं लिखा, तो आंसर में क्या लिखा है आर लिखा है, फिर यू लिखा है और एक्स लिखा है, तो बीच वाले अवसर स्किप कर दिए इसको, इस तरह से पैटर्न कहते हैं। फिर देखिए ए 10, बी 20, सी 30, डी 40 और ई 50 लिखा है। फिर उसके बाद ऐसे ही एच 60, जी 70 और एच 80 लिखा है। उसके आगे देखिए ड्रॉइंग कलर द नेक्स्ट फिगर इन ईच पैटर्न। देखिए हमने अभी सीखा कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, नहीं सर्कल है, स्क्वायर है और यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो हमें अगर पैटर्न में ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर है, सर्कल है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है सर्कल, और एक इसमें कौन सा कलर है वो भी देखना है, सर्कल में कौन सा कलर है, ये कलर यहाँ पे कर देंगे, ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर का सर्कल कर देंगे। फिर है रेक्टेंगल, ऐसा है, फिर ऐसी ऐसे, तो फिर यहाँ पे कौन सी पैटर्न करेंगे, रेक्टेंगल, और उसमें कलर भी कौन सा करेंगे, जो रेक्टेंगल में इसमें कलर है वही करना है पर्पल। फिर स्टार है, फिर ऐसे बेटा हुआ ऐसा स्क्वायर का रेक्टेंगल का पिक्चर है, तो उसमें भी यहाँ पर जैसे पिक्चर्स ड्रॉ करके उसमें ब्लू कलर करना है। इस तरह से कोई भी पैटर्न हो तो सीक्वेंस के हिसाब से जो पैटर्न आती हो वही ड्रॉ करनी होगी। फिर उसके बाद देखिए पेज नंबर 228 पर, फिर वही है What will come next? Write three words. अब यहाँ पे क्या है? Three numbers skip कर किए हैं. Three numbers skip करके लिखिए. What will come next? यहाँ पे दिखा है 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. तो हमें इस तरह से तीसरा नंबर लिखना है. तो 9 के बाद क्या आएगा, 10 और 11, हमने 1 नंबर स्किप कर दिया।
तो 11 आएगा, 11 के बाद आएगा 13 और 13 के बाद आएगा 15 ऐसे। फिर यहाँ पे है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे 2 नंबर स्किप कर दिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10 उसके बाद क्या आएगा, 10 के बाद 12 के बाद 14 और 14 के बाद 16 ऐसे हमें आगे सीख गए ना 2 नंबर 5 नंबर का स्किप काउंटिंग, तो ऐसे ही इसमें आंसर लिखना है। फिर है 3, 6, 9, 12 और 15, तो उसके बाद का नंबर यहाँ पे क्या आएगा वो हमें लिखना है। तो इसमें कितने नंबर्स का टेबल्स भी चलेगा अगर बोले तो, और 3 नंबर्स स्किप करोगे तो भी चलेगा, 3 1 3, 3 2 6 ऐसे आपको टेबल आता हो तो वो भी चलेगा। हमें 3 नंबर्स स्किप कर रहे हैं, 3 के बाद आएगा 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 में 3 एक करें तो क्या आएगा 18, फिर आएगा 21 और उसके बाद आएगा 24, ठीक है। तो उसके बाद है व्हाट विल कम नेक्स्ट, राइट 4 मोर लेटर्स। अब क्या है इसमें लेटर्स के हिसाब से इसे काउंटिंग करके हमें 4 नंबर लिखने हैं। इसमें अल्फाबेट दे है, हमने अल्फाबेट की ऐसे देखे ना जैसे नंबर का स्किप कर देते हैं वैसे ही अल्फाबेट यहाँ से स्किप किए हुए हैं। तो देखिए ए है, सी है, ए है, सी, फिर ई, जी और आई। तो आई के बाद हमें एक एक नंबर स्किप करके 4 नंबर तक लिखना है। आई के बाद यहाँ पे जैसे ए के बाद बी स्किप किया हुआ है, सी के बाद डी स्किप किया हुआ है, तो आई के बाद हम जे को स्किप कर देंगे और लिखेंगे के। के के बाद क्या लिखेंगे, एल नहीं लिखना है, एल के बाद लिखेंगे एम, एम के बाद एन नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे ओ, ओ के बाद टी नहीं लिखना है वो लिखना है क्यू, क्या लिखना है क्यू। फिर है ऐसे डबल नंबर है अल्फाबेट बी है, फिर है दो डी है और एफ है, फिर एच है, तो हमें यहाँ पे 4 नंबर ऐसे लिखने हैं 4 अल्फाबेट्स, तो क्या लिखेंगे, बी के बाद सी नहीं है, डी के बाद ई नहीं है, ई के बाद एफ के बाद जी नहीं है, तो एच के बाद हमें आई नहीं लिखना है, क्या लिखना है डबल जे लिखना है, क्या लिखना है जे। तो जे के बाद के नहीं लिखना है, के के बाद क्या आएगा एल, तो एल लिखेंगे हम ऐसे। फिर एल के बाद एम नहीं लिखना है, क्या लिखना है एन, फिर ओ नहीं लिखना है तो लिखना है पी, ठीक है। फिर उसके बाद एसी पैटर्न से ई, फिर ई है ऐसे, तो अब हमें 4 ऐसे आंसर लिखने हैं, तो इसकी पैटर्न में कैसे आंसर लेंगे, तो ए है उसके बाद पहले से शुरू करना है, तो आएगा ए ई, फिर ऐसे उल्टा ई, फिर ऐसे किस तरह ई और फिर ए ऊपर वाला ऐसे, तो ए हो गई हमारी सीक्वेंस के हिसाब से पैटर्न। फिर है राइट टू मिसिंग नंबर, तो इसमें भी क्या करना है, मिसिंग नंबर लिखना है पैटर्न के हिसाब से, जो जो स्किप किया हो वो हमें लिखना है। तो पहले तो क्या है, देखिए 2 का टेबल बोलो भी आ जाएगा और स्किप किया हुआ नंबर से वो हमें लिखना है। तो बॉक्स में क्या है, 2 है, 4 है, 2 है, 4 है और इसके बाद के बॉक्स में कुछ नहीं है, फिर है नहीं 2 है, 4 है, सॉरी 6 है, फिर उसके बाद के बॉक्स में कुछ नहीं है,
पीरियड 8 है, फिर दोनों बॉक्स खाली है ऐसे, तो 2 है 4 है, तो इसमें 2 स्किप करके लिखना है, तो क्या आएगा 6, कौन सा नंबर आएगा 6, तो 8 के बाद भी हमें 2 स्किप करना है, तो क्या नंबर आएगा 10, और 10 के बाद आएगा 12, तो ऐसे टेबल में भी आपको आ जाएगा 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ऐसे। उसके बाद ये 5 स्किप काउंटिंग है, तो 5 है 10 है और बॉक्स में कुछ नहीं है, फिर है 20 है और दो बॉक्स ऐसे ही है, तो इसमें भी क्या आएगा 5 10, उसके बाद आएगा 5 स्किप करके 15 के बाद 20 के बाद आएगा 25 के बाद आएगा 30, तो ऐसे आप 5 का टेबल बोलोगे तो भी चलेगा, 5 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, आपको दोनों तरफ से आ जाएगा। फिर है 3 है 6 है, तो इसमें कितने स्किप किए हुए हैं 3, कितने 3, फिर है 12 है, फिर दोनों बॉक्स ऐसे हैं, तो देखिए 3 के बाद 6 है, 6 के बाद तो यहाँ पे क्या आएगा 7 8 9 9 आएगा, 9 के बाद 12 लिखा हुआ है, तो 12 के बाद क्या आएगा 13 14 और 15, हमें 3 नंबर्स स्किप करके लिखना है, 15 के बाद 16 17 और 18, क्या आएगा 18, ऐसे 3 के टेबल्स बोलेंगे तो आपको आ जाएगा 3 1 3 3 2 6 और 3 3 9 ऐसे। फिर देखिए 10 20, अब इसमें 10 का टेबल क्या है, 10 का टेबल 14 और 10, तो 10 है 20 है, तो 20 के बाद 10 स्किप करके लिखेंगे तो 30 30 के बाद 40 के बाद 50 50 के बाद 60 और 10 का नंबर भी चले टेबल पे भी चलेगा, 10 के 10 1 10 10 2 20 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60 60 ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद है नाउ आई नो माय पैटर्न्स कैन बी सीन अराउंड अस, हमें अपने चारों तरफ पैटर्न्स देखने को मिलती है, टू क्रिएट ओवन पैटर्न्स विद द सम स्ट्रक्चर्स सच ए बी सी यूजिंग डिफरेंट शेप्स नंबर्स लेटर और अल्फाबेट्स एक्सेट्रा, ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर हो जैसे कि अल्फाबेट्स नंबर्स पैटर्न्स में कोई भी शेप्स हो तो भी हमें पैटर्न्स के हिसाब से ही लिखना है, नंबर्स पैटर्न्स इन विच नंबर्स फॉलो अ पर्टिकुलर स्टाइल, हमें कोई भी नंबर और पैटर्न्स लिखे हो हमें ऐसे ही लिखना होता है, उसकी पर्टिकुलर जो स्टाइल होती है उसी के हिसाब से हमें करना होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे चैप्टर 7 कंप्लीट पैटर्न्स, तो यहाँ पर मैथ्स का हमारा कोर्स जो है वो भी कंप्लीट हो गया है, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।